Hi guys, welcome to ICC 10. So this is Adrika and in this video I'm going to tell you guys some important chapters, some most important chapters for your English literature for your boards 2024. ठीक है, तो मतलब जो ऐसे चैप्टर्स मैं आज तुम्हें बताने वाली हूँ जो कि तुम्हें बिल्कुल लीव नहीं करने हैं, ठीक है, और ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं तो इन्हें तो करके जाना ही तुम्हें. देखो, फॉर द MCQs कुछ हम कह नहीं सकते कि कौन से चैप्टर से आता है पर्टिकुलर, मतलब हर चैप्टर से आता है, तो अप्रॉक्सीमेटली वो तुम्हें इसमें सारे चैप्टर्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे. ठीक है, तुम्हारे 10 चैप्टर्स तुम्हारे सिलेबस में, यानी कि जो तुम्हारे 5 लास्ट की पोइट्री से आ रहे हैं और 5 लास्ट चैप्टर जो तुम्हारी शॉर्ट स्टोरी से आ रहे हैं, तो वो सारे प्रिपेयर तुम्हें करने पड़ेंगे. बट फॉर द जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है उसके लिए तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो. तो इसीलिए मैंने ये जो मैं चैप्टर्स तुम्हारे लिए लाई हूँ, तो ये मैंने लास्ट ईयर्स के जो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर्स हैं उसके मतलब उसका एनालिसिस करके बनाया है. ठीक है, तो एक बार इन चैप्टर्स को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और MCQs के लिए सारे चैप्टर्स से तुम्हें अच्छे से करना है. ठीक है, उस MCQs की तरीके से मतलब तुम चैप्टर को बार बार रीड कर सकते हो, टेक्स्ट उसका वाला रीड करो ताकि तुम्हें जो लाइन्स हैं उसकी वो सब थोड़ी थोड़ी मतलब तुम्हें ये समझ में आ जाए कि किसने मतलब हु सेड टू हूम वाले जो क्वेश्चन हैं तुम्हारे ये सब तुम्हें आने लगे और तुम MCQs वाले क्वेश्चन को आंसर कर पाओ. ठीक है, तो इसलिए तुम्हें वाले चैप्टर सारे प्रिपेयर करने हैं. और अब बात करते हैं तुम्हारे सिलेबस की. तुम्हें सिलेबस में पता है क्या है, लास्ट के 5 जो पोएम्स हैं वो आ रही हैं, जैसे कि डेफोडिल्स फर्स्ट, फिर आई नो वाई द केश बर्ड सिंग्स, द पेट्रियट, अबू बेन एडम और 9 गोल्ड मेडल्स. तो ये आ रही पोएम्स तुम्हारी सिलेबस में. ठीक है, और फिर शॉर्ट स्टोरीज की बात करें तो उसमें जो शॉर्ट स्टोरीज तुम्हारी सिलेबस में, दैट आर एन एंजल इन डिसगाइज, द लिटिल मैच गर्ल, द ब्लू बीट, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज एंड ऑल समर इन अ डे. ठीक है, तो ये स्टोरीज हमारे सिलेबस में. तो इसमें से देखो, ये वाली ये जो मैंने अभी लिखी हैं सामने तुम्हारे होंगी, इसमें से तुम्हें ये वाले चैप्टर्स जो हैं ये तुम्हारे काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो इन चैप्टर्स को बिल्कुल भी लीव मत करना. ठीक है, पहला चैप्टर तुम्हारा अबू बेन एडम, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिर द ब्लू बीड, द लिटिल मैच गर्ल, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज और आई नो वाई द केश बर्ड सिंग्स. ठीक है, तो ये जो चैप्टर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इन्हें इंग्लिश लिटरेचर में लीव मत करना. ठीक है, ये तुम्हारी 2 पोएम्स हैं और 3 शॉर्ट स्टोरीज हैं. ठीक है, ये द ब्लू बीड, लिटिल मैच गर्ल और ये माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज तुम्हारी शॉर्ट स्टोरीज, और ये तो तुम्हारी पोएम्स, इन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना. देखो, अगर तुम सारे चैप्टर्स अपनी पोएम्स वाले और शॉर्ट स्टोरीज वाले अच्छे से लर्न कर लेते हो तो इट्स अ वेरी गुड थिंग. बट अगर तुमसे नहीं हो पा रही सारी शॉर्ट स्टोरीज सारे पोएम्स, क्योंकि 5 स्टोरीज हैं 5 पोएम्स हैं, तो तुम इन चैप्टर्स को ज़्यादा अच्छे से कर लेना. ठीक है, क्योंकि जैसे और मतलब एक दो चैप्टर्स अपने जो तुम्हें इजीली हो जाते हैं वो भी एक्स्ट्रा कर लेना. ठीक है, क्योंकि बाय चांस अगर वो आ गए तो तुम्हें आता होगा. ठीक है, एज अ ऑप्शन के लिए उसको भी तुम याद कर लो ना, थोड़ा सा मतलब कच्चा अगर भी है तब भी ठीक है. बट ये वाले चैप्टर्स को ज़्यादा अच्छे से फोकस प्रायोरिटी देना, ताकि ये वाले चैप्टर्स को अच्छे से कर लेना, क्योंकि इनकी बनाने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा है. ठीक है, और इस वीडियो में मैंने तुम्हें बता दी इंग्लिश के कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो जो मैं जो जाऊँगी तो उसमें मैं तुम्हें मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में बता दूंगी, कौन सी स्पीचेस इंपॉर्टेंट हैं और कौन से तुम्हारे पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट हैं, तो उस हिसाब से तुम उसे लर्न कर लेना. ठीक है, मूवी के लिए. और फिर अभी और वीडियोज़ में जो आऊँगी उसमें हिस्ट्री एंड सिविक्स का वगैरह, तुम लोगों ने कमेंट में पूछा था कि दीदी बता दीजिए हिस्ट्री एंड सिविक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, तो फिर उसका भी हिस्ट्री एंड सिविक्स के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का वीडियो मैं लाने वाली हूँ. ठीक है, तो उसको भी एक बार जरूर देख लेना तुम, ताकि मतलब तुम यार तुम छोड़ कुछ भी नहीं सकते हो, क्योंकि आना MCQs से है, शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं हिस्ट्री के लिए, इसमें नहीं तो आना हर चीज़ से. तो इसीलिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर उसको ज़्यादा प्रायोरिटीज करो. ठीक है, इंग्लिश में तो तुम्हें शॉर्ट आंसर्स नहीं प्रिपेयर करने, सिर्फ और सिर्फ MCQs ही प्रिपेयर करने हर चैप्टर से, तो उसे प्रिपेयर कर लेना. और ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स के लिए मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में बता दिए. ठीक है, तो आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, और आगे आने वाले वीडियोस भी सारे देखना. और आई होप तुम्हें ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो इसीलिए चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय.